Okay. So namaskaram all. Let's start with today's session about exemption. And as per the request put up by my student from Mumbai, I have to speak in Hindi plus English. तो आज से हम दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, तो मिक्स लैंग्वेज होगा. And sorry for this voice disturbance because we are developing office and classroom infrastructure outside the room. तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी चलेगा, तो एक्सक्यूज मी फॉर दिस और अनदर 2-3 डेज मे बी ये काम चलते रहेगा ऐसे. सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं और नवंबर दिसंबर में एग्जाम नहीं है तो हमारा सिलेबस इस महीने में एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए अपने को कि सब्सटेंशियल सिलेबस अपना खत्म हो जाए. ओके चलो, हेल्थ केयर सर्विसेज नेक्स्ट एग्जामिनेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज. Now, whenever you have visited clinic or hospital, do you remember paying GST? Learn from your own experience. When you visit your doctor, आपने कभी भरा है क्या GST बिल के ऊपर? याद आ रहा है आपको कभी ऐसे किया आपने? डॉक्टर ने 500 का पेमेंट लिया प्लस जीएसटी लिया, हॉस्पिटल ने 10,000 का पेमेंट लिया प्लस 18 का जीएसटी लिया, नहीं. You will feel bad, you will feel sad about government of India at that particular moment. You have just come out of operation theater or you have just come out of ICU or you are getting discharged today and hospital is already charging you bill of 1 lakh rupees. आपको 1 lakh rupees का charge किया है and उसके ऊपर GST जो charge किया उन्होंने 18%, 18,000. So you will be obviously sad about government policies and taxation. Apart from that, healthcare is the one of the basic necessity that every human being is having. And government has the responsibility to provide basic necessities at least at free of cost. If not free of cost, then it should be at reasonable and affordable prices. And due to all these reasons, due to social and economical impact that healthcare industry is having, healthcare services are kept exempted from levy of GST. So let's look at some of the entries of exemption. The first entry is services by veterinary clinic in relation to healthcare of animals and birds. आपको पता होगा वेटन मतलब जो बर्ड्स एंड एनिमल्स का जो जहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, नॉट ओनली ह्यूमन हॉस्पिटल्स, इवन एनिमल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, एनिमल हॉस्पिटल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी. सो जो वेटन्स होते हैं ना अपने यहाँ पे, कहीं पे कॉलेज है अपने मुंबई में, लालबाग में कहीं पे तो कॉलेज है ना, आपने कभी देखा है लालबाग या परेल में कॉलेज है? अपने वही उनका ही ट्रीटमेंट किया जाता है, डॉग कैट वगैरह, लेकिन परेल में है. और यहाँ पे विलेज लेवल पे खास करके इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज वो प्रेगनेंसी हैंडल करना एनिमल्स का, फिर उनको कुछ डोज देने होते हैं क्वार्टरली या एनुअली बेसिस पे, तो वो सारी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ अभी आज की तारीख में, रूरल एरियाज में वेटन क्लिनिक का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड. कॉमन सेंस है, ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है. एंट्री नंबर 74 दिखता क्यूट सा है, लेकिन क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो उन्होंने क्या बोला है, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पैरामेडिक्स, ठीक है ना. तो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो तीन लोग प्रोवाइड करेंगे तो एग्जेम्प्ट होगा. कौन तीन लोग? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब यहाँ पे इमेज में दिख रहा है आपको बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है, बिग साइज हॉस्पिटल मतलब क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना. ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने अगर आपको सर्विसेज दिया तो ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब छोटा छोटा क्लिनिक जो होता है अपनी सोसाइटी के बाहर, उनको ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं. हम नहीं बोलते हमारा फैमिली फिजिशियन है या फैमिली डॉक्टर है या रेगुलर डॉक्टर है. तो हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, छोटा सा हॉस्पिटल है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है. और पैरामेडिक्स मतलब पता आपको कौन? पैरामेडिक्स मतलब जो डॉक्टर नहीं होते लेकिन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे एग्जांपल बताओ पैरामेडिक्स का, अदर देन डॉक्टर्स, एग्जांपल बताओ मैं फोटो दिखाता हूं तुम लोगों को.
पैरामेडिक्स पता आप लोगों को कौन होते हैं? मेडिकल वाले। कान के नीचे बजाऊंगा तुझे तुम। पैरामेडिक्स मुझे बताओ, हॉस्पिटल में जाने के बाद किसको देख के आपका दिल खुश हो जाता है? आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो किसे देख के आपका दिल खुश हो जाता है, खास करके बॉयज? नर्सेस, वेरी गुड। हाँ, तो नर्सेस वगैरह जो होती है, ठीक है ना, नर्सेस हो गया, वार्ड बॉय हो गया, वो आंटी लोग जो साफ सफाई करती है, या आपका जो जेरोक्स निकालते हैं, आपका जेरोक्स निकलता है कि नहीं हॉस्पिटल में? सर आपका जेरोक्स निकलता है क्या? आपका जेरोक्स आता है फिर नहीं क्या? ऐसे देखते हैं उसमें, हाँ ये, हाँ यहाँ पे ब्रेक ब्रेक हुआ है, क्या बोलते हैं आपके जेरोक्स को? हाँ, एक्सरे, एक्सरे बोला जाता है ना, वो सब मशीन पे जो काम कर रहा होता है बंदा, जो मशीन पे आपको आपका जो एक्सरे लेता है, इज नॉट डॉक्टर, इज अ टेक्नीशियन, उसको मशीन कैसे चलाते वो आता है, बट उनका भी सर्विसेज इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जल्दी बोलो। नर्सेस का, एक्सरे मैन का, ये जो लोग होते हैं अदर देन डॉक्टर जो हॉस्पिटल में होते हैं, वेदर देयर सर्विसेज आर मैंडेटरी, इंपॉर्टेंट है कि नहीं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, जल्दी बोलो, है कि नहीं है? हाँ है, ठीक है। तो वो हो गया, यहाँ पे एग्जाम कर दिया है। उसके अलावा ये जो बाहर आपको ये दिख रही है गाड़ियां, इन व्हीकल्स को क्या बोलते हैं? पैसे व्हीकल्स को क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस। तो आपको पता है जब आपको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में लिया जाता है तो चार्जेस लगते हैं, ठीक है ना, चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस के ऊपर जीएसटी होना चाहिए क्या? जैसे आप ओला उबर से जाते हो तो ओला उबर में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं प्लस जीएसटी लगता है। ओला उबर से अगर आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपको चार्जेस प्लस जीएसटी लगता है। अब अगर एम्बुलेंस से जाओगे किसी पेशेंट को लेके, तो क्या लग रहा है आपको, जीएसटी चार्ज होना चाहिए क्या? ये हेल्थ केयर सर्विस नहीं है, हेल्थ केयर बाद में हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मिलेगा, ये उसके पहले वाला सर्विस है, हेल्थ केयर के पहले वाला सर्विस है, एम्बुलेंस के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, एम्बुलेंस दो टाइप की होती है, सुनो मेरी बात, एम्बुलेंस जो होती है दो टाइप की होती है, एक टाइप की एम्बुलेंस होती है जो हॉस्पिटल खुद प्रोवाइड करता है, और एक टाइप की होती है जो प्राइवेट कंपनी देना, प्राइवेट कंपनी है, कुछ लोग है, प्राइवेट कंपनी कुछ लोग है, शिवसेना है, मतलब प्राइवेट वाले भी लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक तो कोई कंपनी है जो एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करती है, ओनली एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड का सर्विस प्रोवाइड करती है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या लग रहा है, प्राइवेट वालों का भी एग्जाम होना चाहिए कि खाली हॉस्पिटल का ही एग्जाम होना चाहिए, कि दोनों का, मतलब ओनली हॉस्पिटल, ओनली प्राइवेट, या बोथ, कौन सा एम्बुलेंस एग्जाम होना चाहिए? ओनली हॉस्पिटल, ओनली प्राइवेट, बोथ? क्योंकि भैया इमरजेंसी के केस में वो एम्बुलेंस कौन से कंपनी का है वो मैटर नहीं करता, वो एम्बुलेंस है वो मैटर करता है। अच्छा, आपने एक्टिवा पे किसी पेशेंट को पहुंचाया और उससे 500 रुपए लिए, तो वो नहीं क्या, कौन सा मूवी था वो, थ्री इडियट में स्कूटी पे हॉस्पिटल में पहुंचा देते उसके पापा को, या ओला उबर में से लेकर गए तो एग्जम्प्ट होगा क्या? ओला उबर में से अगर पेशेंट को लेकर जाओगे तो एग्जम्प्ट होगा क्या? ओला उबर एम्बुलेंस नहीं है वो, जल्दी बोलो, नहीं, तो एग्जाम नहीं होगा। आप पेशेंट को वो मैटर नहीं करता, आप कहां से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो मैटर करता है। एम्बुलेंस होना चाहिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन स्पेसिफाइड इन ए, मतलब हॉस्पिटल का होगा तो वो ए में कवर हो गया, हॉस्पिटल का नहीं होगा प्राइवेट कंपनीज का होगा तो वो पॉइंट नंबर बी में कवर हो जाता है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज अगर आपको याद आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज मतलब डेड बॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा हुआ था, शेड्यूल 3 में हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज पढ़ के रखा हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज पर्सन अगर होगा तो वो पहले से नॉन टैक्सेबल में आता है, एक्सक्लूड किया गया चार्जेबिलिटी में से, वो हमने शेड्यूल 3 में पढ़ लिया था, यहाँ पे हम पेशेंट की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, आपको पता है अगर कोई बेबी का डिलीवरी होता है, छोटा बेबी है जिसका डिलीवरी होता है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है या नॉर्मल बेबी, वो इमीडिएटली पता नहीं चलता, समझ रहे आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Immediately you cannot identify whether baby is normal or abnormal. आपके घर वालों को तो अभी तक नहीं पता चला कि आप लोग abnormal हो, पता चला क्या किसी के घर वालों को? जल्दी बोलो। Baby normal है कि abnormal है immediately पता नहीं चलता। जैसे
whether baby can hear or not, वो सुन सकता है कि नहीं सुन सकता वो नहीं पता चलता आपको immediately. Whether he can walk or not, वो भी नहीं पता चलता. Whether he can speak or not, आप समझ रहे हो ना. तो टाइम लगता है ये सारी abnormalities को identify करने के लिए. अभी medical science इतना advance हुआ है, medical science इतना advance हुआ है कि आपको पता है, जब आपने कहीं भी अगर प्रेगनेंसी वगैरह का वीडियो वगैरह देखा होगा किसी मूवी वगैरह में भी, तो एक कॉर्ड कनेक्ट होता है. आप जब पेट के अंदर होता है बेबी, तो एक कॉर्ड कनेक्ट होता है मदर के और चाइल्ड के बीच में, कॉर्ड कनेक्ट होता है. देखा आपने, वो दोनों साइड उसको चिमटा लगाते और कट करते हैं, ऐसे क्लिप लगाया जाता है दोनों साइड, और दोनों साइड से कट होता है. अरे डेटा केबल, ये जो डेटा केबल होता है, क्योंकि चाइल्ड जब तक अंदर होता है ना, बॉडी के अंदर जब तक होता है, पेट के अंदर होता है, तब तक उसको न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई इस कॉर्ड से होती है, ठीक है ना. और मेडिकल साइंस बोलता है कि ये जो कॉर्ड है जो मदर और चाइल्ड को कनेक्ट करता है, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, बिकॉज दिस मे एक्ट एज द बेस्ट मेडिसिन. इसमें ऐसे कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं जिसको यूज करके उस पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए मेडिसिन डेवलप किया जा सकता है, विच विल क्योर द एबनॉर्मिलिटी द चाइल्ड इज हैविंग फ्रॉम द बर्थ. तो जो बर्थ के रिलेटेड एबनॉर्मिलिटीज होती है उसको ट्रीट किया जा सकता है. अभी तुम्हारा और मेरा, आप लोग तो गरीब लोग हैं, ठीक है ना, मुझे नहीं लगना अपना कॉर्ड प्रिजर्व करके रखा हुआ है. रखा है क्या किसी का कॉर्ड प्रिजर्व करके? हेलो, किसी के पेरेंट ने कॉर्ड प्रिजर्व करके रखा है क्या उस टाइम का? नहीं रखा है ना. अपन गरीब लोग हैं, लेकिन अमीर लोग रखते होंगे कि नहीं, जल्दी बोलो. जो रिच क्लास होगा उनको अगर बोलेंगे इतने इतने चार्जेस दे दो, ये कॉर्ड हमें प्रिजर्व करना है, तो ऑब्वियसली वो करेंगे. ये जो सर्विस होती है, वो जो ब्लड बैंक देती है प्रिजर्व करने का, उसको भी उन्होंने एग्जाम करके रखा है. देखो क्या बोलता है, एंट्री नंबर 73, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कोड ब्लड बैंक्स बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टम सेल्स. इसको जो कनेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टम सेल्स, और एनी अदर सर्विस इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन. तो ये कोड ब्लड बैंक जो होती है वो प्रिजर्व करती है स्टम सेल्स को, उनके लिए भी एग्जम्पशन दिया गया है. तो ये याद रखो आप लोग, ठीक है. आपने कभी ओपन कचरा देखा है? ओपन कचरा, अपना सुबह तक गाड़ी वाला आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. कभी आपने ओपन पे कचरा देखा है, ओपन वेस्ट देखा है? जल्दी बोलो, देखा है क्या आपने ओपन वेस्ट, ऐसे खुले में कचरा पड़ा हुआ है, देखा है कभी? आप मुंबई से हो, आप ना नहीं बोल सकते. हैव यू एवर सीन खुले में कचरा? जल्दी बोलो, बहुत सारा देखा होगा. कभी उस कचरे में आपने मेडिकल वेस्ट देखा है? मेडिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट मतलब अभी किसी का लीवर का ऑपरेशन हुआ था, उसका कटा हुआ लीवर वहां पे डाल दिया है. किसी का अबॉर्शन हुआ था तो बेबी के छोटे छोटे टुकड़े वहां पे डाल दिए. ऑपरेशन थिएटर का जो कॉटन होता है वो ब्लड से फील्ड होता है, वो ऐसे ओपन में फेंका हुआ है. इंजेक्शन है, ऑपरेशन इक्विपमेंट किट है, वो सारा ओपन में फेंका. ऐसा देखा आपने कभी? नहीं देखा. थैंक यू, नहीं देखा आपने. नहीं देखा बोला क्यों? क्यों सर? क्योंकि मेडिकल्स को अलाउड नहीं है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउड नहीं है उनका जो वेस्ट है वैसे ओपन में फेंकने के लिए. दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है ना. तो देर आर प्रोफेशनल कंपनीज जो ये मेडिकल वेस्ट की ट्रीटमेंट को हैंडल करता है, प्रोफेशनल कंपनीज होती है. तो आप लोगों को ना जब ये एंट्रीज पढ़ोगे तो यहाँ पे कौन सी एंट्री है? देखो 73 है, 74 है और 46 है. 46, 74 एंड 73, इतनी एंट्रीज यहाँ पे है. ये तीन एंट्रीज है यहाँ पे. इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ. एक एंट्री नंबर 75 है, वो पढ़ना है आपको. तो यहाँ पे ना एक प्लस करके रख देना, एंट्री 75 जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ बायो वेस्ट की बात कर रहे हैं. मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ अभी, लेकिन आपको जब पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है. ये देखो क्या बोलता है एंट्री नंबर 75, क्या बोलता है देखो. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी. लेकिन ये किसको देना चाहिए? टू क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को देना चाहिए. किसको देना चाहिए? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल्स को देना चाहिए. बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ट्रीटमेंट और बायोमेडिकल वेस्ट और द प्रोसेस इंसिडेंटल देयर टू. तो क्या हो रहा है, जो हॉस्पिटल्स का कचरा होता है वो उठाने के लिए ये यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है. छोटे मोटे मेडिकल्स का, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट का नहीं, छोटे मोटे प्राइवेट क्लिनिक्स का नहीं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स का ही बात यहाँ पे हो रही है कि इनको अगर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट का अगर ट्रीटमेंट का फैसिलिटी आपने दिया तो आपकी कंपनी को हम एग्जेम्प्ट रखेंगे. ऐसी बातें यहाँ तक हो गई है,
तो मैंने इसको कैसे लिखा हुआ अपने चार्ट में, ये देखो चार्ट में कैसे लिखा है, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज में एंट्री नंबर 46 आता है। पहला एंट्री क्या बोलता है, सर्विसेज बाय, सर्विसेज बाय अ वेटरनरी क्लिनिक दैट इज इन रिस्पेक्ट हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड, तो ये तो एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट 74 क्या बोलता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या पैरामेडिक्स। आपकी दादी ने आपको कोई काढ़ा बना के दिया, मम्मी ने आपको काढ़ा बना के दिया, गर्लफ्रेंड ने आपके सर पे रुमाल क्या बोलते हो नमक वाला, नमक के पानी वाला, ठंडे पानी वाला रुमाल का पट्टा रखा और उसके अगर उन्होंने चार्जेस लिए तो उसको हम यहाँ पे हेल्थ केयर में काउंट नहीं करते। हेल्थ केयर सर्विसेज हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय आइदर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या पैरामेडिक्स। आपके गली के बाहर अगर कोई वैद्य वगैरह होगा या ऐसे जो ये यहाँ के ऑथोराइज लोग नहीं है, अनऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है, बाय एक्सपीरियंस दे हैव लर्न सम काइंड ऑफ यू नो सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे वो कवर नहीं होती, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, ये भी एग्जम्प्ट है। एंट्री नंबर 73 क्या बोलता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक बाय वे प्रिजर्वेशन ऑफ स्टम सेल, तो यहाँ पर बातें हमने की। और इसके अलावा मैंने आपको बोला आपको एक और एंट्री यहाँ पे पढ़नी चाहिए, एंट्री नंबर 75 यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जो है, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे लिख के रखनी है। इतना हो गया, इतना पढ़ने के बाद आपको नहीं लग रहा हेल्थ केयर दो तीन बार आ गया, तो हेल्थ केयर का डेफिनेशन हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। हेल्थ केयर मतलब आपको क्या लगता है, हेल्थ केयर के अलग अलग वेरिएशन है कि नहीं है। जैसे आपने कभी ये होम्योपैथी सुना है, होम्योपैथी वो शाहूदाना जैसा बोली देते हैं होम्योपैथी वाले लोग, सुना है कभी आपने होम्योपैथी, होम्योपैथी सुना है आपने, वेरी गुड। तो होम्योपैथी मतलब हेल्थ केयर में आता है कि नहीं आता, क्या लगता है आपको, इज इट कवर्ड बाय हेल्थ केयर, होम्योपैथी यहां पे आता है कि नहीं, आना चाहिए। आयुर्वेदा क्या लग रहा है आपको, आयुर्वेदा यहाँ पे आना चाहिए क्या, इंडिया का एंशियंट हेल्थ केयर सिस्टम आयुर्वेदा, यहाँ पे आयुर्वेद भी आना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। नेचुरोपैथी करके एक होता है, अगर आपने बचपन में एक मूवी देखा होगा, पता नहीं बहुत सारे बच्चे ने नहीं देखा होगा क्योंकि बहुत पुराना मूवी हो गया और गोविंदा का कोई फैन वगैरह यहाँ पे है नहीं, लेकिन जिस देश में गंगा रहता है करके एक मूवी है गोविंदा का, हैव यू सीन दैट मूवी, जिस देश में गंगा रहता है, गलती से किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा, चलो ठीक है, वो थोड़ा गूगल कर लेना, जिस देश में गंगा रहता है ऐसा कुछ मूवी का नाम है, ठीक है ना। उसमें उसको क्या करते हैं, गोविंदा को कुछ अलग ही टाइप का एक डिसीज होता है, टीबी का एक कुछ तो वेरिएशन होता है, तो उसको कुछ पर्टिकुलर एज तक वो गोट के आजू बाजू में रखना होता है, दैट्स ओनली ट्रीटमेंट, आजू बाजू में उसके गोट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बकरियों के बीच में रखेंगे, भेड़ बकरियों के बीच में, तो उसका जो बीमारी है ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा, ऐसा होता है, उसको नेचुरोपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरोपैथी मतलब आप नेचर के पर्टिकुलर एलिमेंट के कॉन्टैक्ट में आप रहो तो आपका जो क्योर है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना, नेचुरोपैथी, तो वो भी यहाँ पे कवर होता है। सिद्धा यूनानी करके मेडिकल सिस्टम चलते हैं जो आयुर्वेदा जैसे ही होते हैं, वो भी यहाँ पे कवर है। तो हेल्थ केयर का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर, तो देखो यहाँ पे हेल्थ केयर का क्या क्या मतलब है। हेल्थ केयर मीन्स ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर ऑफ इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी भी यहाँ पे कवर होता है, ठीक है ना। इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया का मतलब होता है एक मिनट यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने लिखा नहीं है, मैं यहां से दिखा देता हूँ आपको मॉड्यूल में से। ये देखो, रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम इन इंडिया इज एलोपैथी, एलोपैथी मतलब जो इंजेक्शन गोलियां हम नॉर्मली जो लेते हैं उसको एलोपैथी बोलते हैं, ठीक है ना। योगा, रामदेव बाबा का योगा भी फेमस हो चुका है, वो भी हेल्थ केयर में आता है। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी एंड अदर मेडिसिन स्पेशलिटी विच आर रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन इंडिया, तो इसको रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम बोलते हैं। अगर आप इनके थ्रू अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो तो यहाँ पे एग्जम्प्ट किया जाएगा। उसके अलावा मुझे आप बताओ, ठीक है, आपने कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट सुना है क्या, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं लोग, देखो हेयर ट्रांसप्लांट सुना है आपने, हेलो,
हेयर ट्रांसप्लांट आना चाहिए क्या यहाँ पे? वो डॉक्टर क्या हो, डॉक्टर भत्रा करके कुछ तो उसका मेल या मैसेज आता रहता है आप लोगों को, सुना आपने कभी मुंबई में डॉक्टर भत्रा? आप दो फोटो देंगे, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर टकला आफ्टर बाल, ठीक है ना, ऐसा होता है ओके। तो उसको हेल्थ केयर बोलना चाहिए क्या? हेयर ट्रांसप्लांट को हेल्थ केयर बोलना चाहिए क्या? व्हाट डू यू से? हेयर ट्रांसप्लांट को एग्जेम्प्ट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। किस कोई एक्ट्रेस है उसकी नाक टेढ़ी है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करके या ब्यूटी ट्रीटमेंट करके और नाक सीधी कर ली, क्या उसको हेल्थ केयर बोलना चाहिए? ये हॉस्पिटल में होता है, ऑपरेशन होता है ये सब, नहीं इसको भी हेल्थ केयर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, मुझे बताओ कोई फायर ब्लास्ट हुआ है किसी बिल्डिंग में और वो जो पेशेंट है उसकी स्किन जो है और बाल जो है बर्न आउट हो चुके हैं और उसके बाद उसके ऊपर हेयर ट्रांसप्लांट और स्किन का जो अपना क्या बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की जा रही है, तो बोलो तो कवर होना चाहिए क्या? एक्सीडेंट हुआ है और चॉइस नहीं था उसके पास, हाँ तो होना चाहिए। तो वो भी मैंने लिख के दिया आपको यहाँ पे मेरे नोटबुक में, देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है। इट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट बट इट डज नॉट इंक्लूड मतलब ये हेल्थ केयर नहीं है। क्या नहीं है? हेयर ट्रांसप्लांट हेल्थ केयर नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी आप करोगे, टेढ़ी नाक सीधी नाक करके लोगे, दांत आगे दांत पीछे करके ले लिया, प्लास्टिक सर्जरी करोगे, तो ये सब टैक्सेबल हो जाएगा, ये सब टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉग्निजेंटल डिफेक्ट। कॉग्निजेंटल डिफेक्ट मतलब बाय बर्थ, ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा ना, टू बेबीज का डिलीवरी साथ में होता है तो उनको कट करना पड़ता है, एक ही जान बचा सकता है डॉक्टर। दो बेबी जॉइंट आए हुए हैं उसमें का एक बचाया जा सकता है, तो एक को कट करेंगे ना, कभी सुना है आपने ऐसे? हेलो, या उसके हाथ और पांव ऐसे कनेक्टेड है, उसको कट करके स्प्रेड करना पड़ेगा, तब जब करेंगे तो उसके पास चॉइस नहीं था, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज, इंजरी और ट्रामा, इसके वजह से अगर आप करोगे तो ये जेन्युइन हेल्थ केयर हो जाता है, जेन्युइन हेल्थ केयर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न हेल्थ केयर का पूरा डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, हेल्थ केयर का डेफिनेशन बता दिया। आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है हेल्थ केयर का, वो कर लेता हूं। ये देखो यहाँ पे एंट्री नंबर 48 के यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो बता देता हूँ आपको फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 188, गुड एंड बैड प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू अ वेटरनरी क्लिनिक, किसको प्रोवाइड कर रहा है? वेटरनरी क्लिनिक को प्रोवाइड कर रहा है। इज इट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस? क्या लग रहा है आपको, टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड? टीओरी वेटरनरी क्लिनिक को उसने बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का सर्विस दिया हुआ है, कचरा जमा करने का फैसिलिटी दिया हुआ है, जल्दी बोलो क्या लग रहा है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? अच्छा, अभी लॉग आउट होने वाला है, लॉग आउट होने के बाद 12:45 को कनेक्ट करना। तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वेटरनरी क्लिनिक को दिया है, मैंने बोला था कि इसको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को देना है, ये क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को दोगे तो ही एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। वहां पर पर्टिकुलरली वर्ड लिखा हुआ है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इन्होंने दिया वेटरनरी क्लिनिक लो, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला वेटरनरी क्लिनिक को दिया होगा या किसी और को भी दिया होगा तो टैक्सेबल हो जाता है, खाली हॉस्पिटल को देंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल को, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को देंगे तो ही एग्जेम्प्शन मिलेगा, नहीं तो एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा। अगले लेक्चर में हम और कुछ इसके क्वेश्चंस होंगे वो कवर अप कर लेंगे, अभी लॉग आउट होने का टाइम आ चुका है, प्लीज री लॉग इन एट 12:45, ठीक है ना, 12:45 को आप प्लीज ज्वाइन करो, 5 मिनट के बाद रीज्वाइन करना प्लीज।